बताएं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हर महीना आप लोग टाइम पे आते थे और आपकी माँ की बर्थडे के दिन भी नहीं आए आप लोग। हाँ मुझे भी याद है डॉक्टर साहब, कल माँ का बर्थडे था सो कुछ काम में फंस गया था, उसलिए नहीं आ सका। ठीक है, मैं जल्दी आके मिलूँगा। ओके सर, बाय। कल इसकी भी माँ का बर्थडे था क्या? आप याद करे कहते मेरे को, खैरियत? बाजरे को कहाँ जाते और क्या करते तुम लोग? कल ही मनाया मैं बर्थडे जोहरा भाई के साथ 20 अक्टूबर को। सीधी बात पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे। कौन सा बर्थडे, कहाँ का बर्थडे, कहीं का बर्थडे, मेरे को कुछ नहीं मालूम। ऐसा रुक। अरे आप इसकी तकलीफ क्यों कर रहे, मैं आपको सब बोलता हूँ, ठहरो एक मिनट। दरअसल खान जब 7 साल का था तो उसके बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और उसके गम में उसकी माँ पागल हो गई। जब से वो मेंटल हॉस्पिटल को जाता, खान जब छोटा था तो उसको हॉस्पिटल में जाने नहीं देते थे। कुछ साल बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और फिर खान को अनाथ आश्रम में जगह मिल गई। खान अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, इसीलिए वो हर महीना अनाथ आश्रम को पैसे देता। और मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग के रिश्तेदार मिलने नहीं आते तो खान उनसे मिलने जाता था। कलीच उसकी अम्मा का बर्थडे था मगर हम नहीं जा सके, फंसे हुए हैं आपके राज में।